नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनोज, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। संत रविदास जी की जयंती है और संत रविदास भारत में हुए एक ऐसे अद्भुत संत हैं जो अपने कर्म को ही अपना धर्म मान करके चलते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक कथा है कि किसी ने उनसे कहा कि चलो गंगा नहा के आते हैं, तो उन्होंने कहा कि गंगा माई तो मेरे कठौते में ही, मन चंगा तो कठौते में गंगा। ये कहावत प्रसिद्ध है और यही कहावत इस चीज को शाश्वत तौर पर अंगीकार करने हेतु प्रेरित करती है कि अगर हम माने तो वही ईश्वर है और ना माने तो एक पत्थर, अगर हम मानते हैं तो सामान्य सा जल है, और अगर माने तो गंगा है। हम अपनी बात यहीं से शुरू करते हैं। संत रविदास जी के बारे में अभी एक बड़ी प्यारी सी कथा कहानी आप बता रहे हैं, क्या कहानी है वो? जनेऊ से जुड़ी हुई है। जनेऊ से जुड़ी हुई है भाई, ऐसा है कि पुरख लोग और मतलब ग्रंथ के महात्मा संत बताए कि अपने भगवान जो थे ना, कि इनके यहाँ स्वतः मतलब गंगा मैया इनके यहाँ आए हैं, भगवान विष्णु ने इनको जनेऊ दिया था है, और इनकी इतनी मतलब लीला महान थी कि भगवान ने इनको अपना बहुत प्रिय भक्त मान लिया था। तो भगवान ने जो ना इनको जो ना खुद इतना कहा था कि संत शिरोमणि तुम शुद्ध मतलब पंडित कहलाए, तो फिर उन्होंने जनेऊ इनको दिया था है, और उसके बाद में फिर ये स्नान करने चले गए तो फिर कोई पंडित ने वो जनेऊ उठा निकाल लिया था। वो एक अमरबेल का पेड़ आता ना, रूसी का पेड़ जिसमें बोलते हैं, उसमें वो सफ़ेद सी बॉल नहीं चलती है, वो ही अमरबेल है, उसमें उनने न टांग दिया। टांगने के बाद अब ये स्नान करने चले गए तो उसके बाद में उनने वो पंडित ने वो भी जा रहा था नहाने के लिए है, तो उनने क्या वो जनेऊ निकाल के अपने डाल लिया, तो अंदर उनने छिपा लिया था। अच्छा, ये बात उसके अंदर, तो फिर कपड़ों के अंदर हाँ, फिर बैठा, फिर वहाँ बैठक भाई, तो फिर भगवान ने बोला, बोले अरे रविदास जी वो तुम्हारा कहाँ? बोले प्रभु आपने दिया तो मैंने तो वहाँ टांग दिया था। तो भगवान के सिंहासन धुले तो भगवान ने बोला यार, बोले देखो तुमने ये गलत किया, उसका दूसरे का हक तुमने क्यों लिया? जब हमने किसी बोले बोले प्रभु, बोले प्रभु हम इतनी तपस्या किए और आपने हमें कोई पद नहीं दी, कुछ नहीं दिया, और वो एक चमार चौधरी हो करके बता, बोले सवाल जात का नहीं है। बोले सवाल जात के वो साफ पाक व्यक्ति इसने हाँ, वो इतना शांत, कहते हैं ना भक्त के बस में भगवान है ना, तो वो उसने ऐसी भक्ति कर ली थी, वो किसी से कहता नहीं रहा कि हम भगवान की याद करते, वो कहता नहीं कि हम फलानी पूजा पाठ करते थे है ना, वो अपना जो करता रहा संभरता रहा और अपनी रोजी रोटी पे ही बैठ जाता रहा, उसका पता नहीं ये जूता चप्पल बनाना है, और बस माता नर्मदा भगवान की प्रार्थना करना है।